that means the make one room, right? Make one room. So I have given one sentence and you have to guess what it is, right? Okay. Now first number, I give light and heat. Who's give you light and heat? आप सुबह में उठते हो तो light कौन देता है? आपको कैसे पता चल जाता है कि सुबह हो गई? Due to the light of the sun, right? सन की वजह से हमको पता चलती है, सन की लाइट आती है तो हमको पता चल जाता है कि सुबह हो गई। तो लाइट कौन देता है? सन, right? And heat, जैसे जैसे दिन निकलता है गर्मी लगने लगती है, right? It is the heat. So who's give light and heat? It is, the answer is sun. Okay. Now here we have light, sun. Okay, students. Second number. I always change my shape every day. Now who's change their shape? कौन अपना shape हर रोज बदलता है? Guess. Who's change the shape? Now look at the sky at the night, right? रात को हम sky में अगर देखेंगे, then who's change the shape? It is the moon. Sometimes the moon is the half, right? Sometimes it is full. Sometimes does not appear. Sometimes it is the like a single bulb. So thin, right? So many change day by day. Shape changed by the moon, right? So who's changed the shape? It is the moon. So here answer I have written moon. Okay, student. Now third number, I twinkle at night. Who is twinkle at night? Twinkle means the chamakna, right? Who is twinkle at night? You already learned the poem also, twinkle twinkle little star, right? So who is twinkling in the night? It is the stars. Here we have to write the stars. So many stars are twinkle, or otherwise you write the star also, right? Okay. Now fourth number, I bring rain, lightning, thunder. Who's bring rain? कौन rain लाता है? Because our chapter is about the rain, right? So who bring the rain? Rain कौन लाता है? फिर lightning कहाँ होती है? और thunder मतलब बिजली कहाँ चमकती है? तो कौन सी जगह पे ऐसा होता है? वो है cloud, right? Cloud में होता है ना, बादल में होता है ना, आपको पता है कि रेन कौन लाता है? बादल, राइट? सो इट इज द क्लाउड. क्लाउड के अंदर रेन निकलता है, क्लाउड में से लाइटिंग होती है एंड थंडर आवाज भी आती है. ओके, नाउ फाइव नंबर, आई गो अप एंड डाउन अ लॉट वेदर इट इज कोल्ड और हॉट. मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ, जब एटमोस्फियर ठंडा होता है या गर्म होता है. समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, मैं कभी कभी ग्राउंड में देखने मिलता हूँ. सो अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड, और कभी कभी मैं बादल में भी देखने मिलता हूँ. हु इज, कौन है वो? तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जमीन के ऊपर भी आ सकता है, जमीन के नीचे भी आ सकता है, क्लाउड में भी होता है. हु इज, इट इज द वाटर, राइट? वाटर जमीन पे आ सकता है ना, जब बारिश होती है तो ग्राउंड के ऊपर भी आपको देखने मिलता है, राइट? क्लाउड में से निकलते हुए भी आपने देखा होगा, है ना? ओके, तो दिस इज द वाटर. दिस विल बी इन योर टेक्स्ट बुक, राइट? टेक्स्ट बुक में से लिया गया है ना? ओके, अगर हमारा सिलेबस जल्दी से खत्म हो गया तो मैं टेक्स्ट बुक भी आपको पीडीएफ भेजूंगी. ओके, नाउ दिस इज द वर्क बुक पार्ट, पेज नंबर 59. नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज ऑल द स्टूडेंट्स लाइक मोस्ट बिकॉज इट इज ड्रॉइंग एंड फील द कलर, राइट? ओके, नाउ वी शैल हियर स्टार्ट विद द सम लैब पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो. इट इज द पिक्चर ऑफ द बर्ड्स, सो वी हैव टू राइट हियर द बर्ड्स नेम. बर्ड्स का स्पेलिंग लिखना है. ओके, नाउ दिस इज द रिवर, पिक्चर ऑफ द रिवर. हिल, it is the hill. So we have to identify the picture and write the name below the picture. Okay, now look at here, color the pictures and write the name of the colors. आपको picture के अंदर color करना है
एंड आपको कौन से कलर का वो चीज होता है उसके नीचे आपको कलर का नेम लिखना है। ओके, यहाँ पे देखो हम बनाते हैं एप्पल, राइट। तो विच कलर ऑफ द एप्पल इज द फर्स्ट नंबर, इट इज रेड। सो एवरीवन हैज टू फिल द रेड कलर। ओके, मैं पीडीएफ में जो जो कलर लिख के दिया है वो ही कलर आपको ऊपर करना है। अगर मैंने नीचे रेड कलर दिया है तो आपको ऊपर रेड कलर ही लिखना है और फिल करना है एप्पल के अंदर। ओके, नाउ सेकंड पिक्चर इज अबाउट द ग्रास, राइट। सो व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्रास, इट इज द ग्रीन। सो एवरीवन फिल ग्रीन कलर हियर। ओके, नाउ दिस इज द सनफ्लावर, द सनफ्लावर पिक्चर ऑफ द सनफ्लावर। नाउ विच कलर ऑफ द सनफ्लावर इज, इट इज द येलो, राइट। आपने देखा है सनफ्लावर, आपको पता है सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं ना, फ्लावर्स में से जो सीड, उसमें से व्हाइट भी बनाया जाता है ना, तो इट इज द येलो कलर। ओके, नाउ हियर इज द पॉट, पॉट, लुक एट हियर, आई हैव नॉट इनफ स्पेस। सो व्हाट इज द, which color of the pot used in your house, it is the brown color, right? So you have to fill the brown color in the pot. Okay, now brinjal, look at your children, it is the brinjal. Now what is the color of the brinjal, is the purple, right? This is the purple color you have to fill. Now orange, first I draw the picture and then after I explain what is the color of the orange, it is the orange, right? So you have to fill orange color. Which picture is this, this is the duck, right? So what is the color of the duck, it is the white, right? व्हाइट में आप व्हाइट कलर करोगे तो भी चलेगा, अगर नहीं करोगे तो ऑलरेडी व्हाइट कलर है ही, है ना? ओके, नाउ दिस इज द क्रो, नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ द क्रो, इट इज द ब्लैक। सो यू हैव टू फिल द ब्लैक कलर ऑफ द क्रो। ओके स्टूडेंट्स, एंड हैव यू प्रैक्टिस, डू द प्रैक्टिस एट द होम ऑफ द ऑल द पिक्चर्स, बिकॉज इन एग्जामिनेशन ऑल्सो आस्क द ड्रॉ द पिक्चर, राइट। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड?